बड़ी ईद की बड़ी खुशियां। जानवरों की खरीदारी के बाद शॉपिंग का सिलसिला जारी, बाजारों में खरीदारी तेज। मुल्तान की मार्केट्स में शहरियों का रश बढ़ गया। कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियां, मैचिंग हैंडबैग्स और दीगर लवाजमात की खरीदारी में आवाम मगन है। सुबह ईद और कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल राउंड। जनूबी पंजाब में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। किसी को भाया तगड़ा बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। लोगों का तगड़ा और खूबसूरत जानवर सस्ते दामों में खरीदने का मिशन। खरीदार देखकर व्यापारियों ने आंखें माथे पर रख ली। बजट के मुताबिक कुर्बानी के जानवर की तलाश में आवाम सरकर्दा। व्यापारी को भी तमाम जानवर बेचकर आबाई इलाकों को वापस खींचन ली है। अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला जानवर मालिक के हुक्म पर सजदा रेज। सादिकाबाद में मस्नू के सभी दीवाने, मस्नू को देखने वाले सभी दंग रह गए। खूबसूरत और मुनफरिद बैल 4-4.5 लाख रुपए मुकर्रर। कुर्बानी के लिए लाया गया बछड़ा बिजली बिफर गया। बिजली ऐसा कड़का के मोहल्लेदारों की दौड़े लगवा दी। कुर्बानी के जानवर को काबू करने के लिए सभी ने खूब कोशिश की। उधर मुल्तान चुदाबाज लोधरा रोड पर बैल बेकाबू, मालिक का भी लिहाज न किया और जोरदार टक्कर दे मारी। इलाका वकीलों ने बैल को काबू करके मालिक के हवाले कर दिया। ईद कुर्बा पर किसाब की तलाश सबसे बड़ा इम्तिहान। बहावलपुर में ईद कुर्बा आते ही किसाबों के नखरे भी आसमान पर जा पहुंचे। ऊंट, गाय और बकरे को जबह करने के लिए बुकिंग जारी। हर कोई पहले रोज की कुर्बानी के लिए बेताब। किसाबों ने गाहकों को भगाने के लिए एक बकरे को बनाने के 30,000 रुपए मांग लिए। कुर्बानी का मकसद अना और नफरतों की कुर्बानी है। आरपीओ मुल्तान खुरम अली शाह का ईद पर अहलियाने वतन को पैगाम। कहा कि ईद पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। गलत इकदाम से माशरे में बेचैनी का बायस न बने। ज्यादती करने वालों को माफ और दरगुजर करें। ईद की खुशियों में शोहदा के अहले खाना भी शरीक। डीपीओ बहावलनगर की शोहदा पुलिस के घर आमद। शोहदा के अहले खाना में ईद के मौके पर तहार तकसीम किए। ईद उल अज़हा पर तीनों दिन लोड शेयरिंग नहीं होगी। मुल्तान में मैपको का ऐलान। सीईओ मैपको इकराम उल हक ने ईद पर तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी। इजलास में कंट्रोल रूम मुकम्मल पार करने की हिदायत। मैपको रीजन के तमाम एसईओ और चीफ इंजीनियर से शिरकत की। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी शुरू। मुल्तान में विहाड़ी चौक बस अड्डे पर मुसाफिरों का रश लग गया। कहते हैं ईद अपने घर वालों के साथ गुजारने का अपना मजा है। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ईद के हवाले से तैयारियां जारी। एमबी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुस्सलाम डोगर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। फ्लैग मार्च में शहर के मुख्तलिफ चौकों पर शहरियों को आगाही दी गई। फखरुस्सलाम ने घंटा घर चौक, डेरा अड्डा, कचहरी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। मुल्तान में ईद उल अज़हा पर सफाई का होगा मिसाली निजाम। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर में 14 आगाही कैंप सजा दिए। शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें डालने के लिए प्लास्टिक बैग की फराहमी। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का चौक कमहारावाला में कायम आगाही कैंप का दौरा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद प्लान की कामयाबी के लिए शहरियों से तआवुन की अपील। तौसा ट्रैफिक हादसे के बाद डेरा गाजी खान की फजा सोगवार। वफाकी वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल ने कहा कि ईद मुकम्मल सादगी से मनाएंगे। डेल्टा वायरस के पेश नजर शहरी अवामी इज्तिमा से परहेज करेंगे। वज़ीर आज़म के हल्का NA95 में नाला बड़ोश बफर गया। मियांवाली के 6 देहातों में तबाही। मोसा जंतीवाला, महर शाहवाली, समंदवाला, चक सरकार, बलोची खैल, बंढा, वासुवाला के सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें जेरे आप। कई देहातों में पानी घरों तक पहुंच गया। मवेशियों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं। मियांवाली में मुझ के इलाके में डिस्ट्री 2 और नहर में शगाव पड़ गया। नहर का पानी फसलों में दाखिल। किसान अपनी मदद आप के तहत फसलों को बचाने में मसरूफ। डीसी उमर शेर छठा ने फसलों को बचाने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। बहावलपुर में कोरोना की टेस्ट किट्स खत्म।
1200 से ज्यादा सैंपल के टेस्ट अल्तवा का शिकार, मरीज दरबदर। नई किट्स कब आएंगी? सिविल अस्पताल इंतजामिया लाएल, 24 घंटों के दौरान किट्स आने का मुतालबा कर दिया। पीएचक्यू अस्पतालों से बिलावजह बड़े अस्पतालों को मरीज रेफर करने का इंकशाफ, पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों पर सवाल या निशान लगा दिया। पीएचक्यू अस्पतालों में बेड्स, डॉक्टर्स, स्टाफ और दीगर मालूमात तलब, रेस्क्यू इंचार्ज बहावलपुर ने चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ को खत लिख दिया।